हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा। आई होप यू ऑल आर सेफ दिस डेज। आज मैं एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का मॉक टेस्ट नंबर 5 लाया हूँ, पूरे 100 क्वेश्चंस के साथ लेटेस्ट अपडेटेड, विच इंक्लूड्स जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। इफ़ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ माय दिस वीडियो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन 100 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैं साथ में बताते चलूँगा। तो फ्रेंड्स, फॉर मोर सच मॉक टेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा। तो चलिए अब चलते हैं आज की मॉक टेस्ट की तरफ। आर यू रेडी फ्रेंड्स? सो लेट्स प्ले द वीडियो। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडिया शेयर वाटर बॉर्डर विथ हाउ मैनी कंट्रीज? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 3। इंडिया शेयर वाटर बॉडी विथ 3 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडियन फ्लैग इज इन द रेशियो ऑफ? इंडियन फ्लैग इज इन द रेशियो ऑफ? लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 2:3। द विड्थ इज इन द रेशियो ऑफ 2 एंड द लेंथ इज इन द रेशियो ऑफ 3। सो द रेशियो ऑफ इंडियन फ्लैग इज 2:3। विच टू गेम्स वर इंक्लूडेड इन द यूथ गेम्स 2020? विच टू गेम्स वर इंक्लूडेड इन टू द इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? फ्रेंड्स, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, लॉन बॉल्स एंड साइकिलिंग वर इंक्लूडेड इन टू इन द यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। यूथ गेम्स इज ऑल्सो नोन एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, लॉन बॉल्स एंड साइकिलिंग। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, एग प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ एग प्रोडक्शन। व्हेन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वॉज एस्टैब्लिश्ड? व्हेन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वॉज एस्टैब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1937। नौटंकी इज द फॉक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? नौटंकी इज द फॉक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन जकार्ता। हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन एंड लियोनल मेसी हैज वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड? इन विच सिटी द इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल। अभिजीत बनर्जी हैज़ बीन अवार्डेड नोबल प्राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? द फ्रेंड्स, वेयर इज द क्वेश्चन? अभिजीत बनर्जी हैज़ बीन अवार्डेड नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यू ऑल नो, इन 2019।
What is the minimum age limit of PM? Friends, the answer for this question is option number A, 25 years. The minimum age limit of Prime Minister, 25 years. A train 140 meter long is running at 60 miles per hour. In what time it will pass a platform to 60 meter long? Friends, it is a reasoning question. You need to solve it. Let me tell you the answer. The correct answer of this question will be option number B, 28 second. The first Winter Olympics was held in which year? The first Winter Olympics was held in which year? The correct answer of this question will be option number B, 1924. Ministry of Railways. Who is the Minister of Railways? The correct answer of this question will be option number D, Piyush Goyal. Which is the largest coffee producing state of India? Which is the largest coffee producing state of India? Friends, the correct answer of this question will be option number A, Karnataka. Indian Olympic Association was formed in which year? Indian Olympic Association was formed in which year? The correct answer of this question is option number B, 1927. Who is known as Deshbandhu? Friends, the correct answer of this question will be Chittaranjan Das is known as Deshbandhu. What was the mascot of Khelo India Youth Games 2020? I think this question has been repeated. You all know the answer of this question. The correct answer of the question is option number C, Jaya and Vijaya. Option number C is the correct answer of this question. Friction can be reduced by changing from. The correct answer of this question is sliding to rolling. Friction can be reduced by changing from sliding to rolling. Option number C is the correct answer. Durand line is the international border between which two countries? The correct answer of this question will be option number D, Afghanistan and Pakistan. India's first dinosaur park was built in which state? The correct answer of this question will be Gujarat. Corona outbreak was originated in which province of China? You all might be very much confused in this question. It was not originated in the province of Wuhan. It was originated in the province of Hubei. Who is the father of USA? Who is the father of USA? United States of America. The correct answer of this question will be option number C, George Washington. George Washington. First edition of Khelo India University Games were held in which state? First edition of Khelo India University Games were held in which state? Friends, the correct answer of this question will be option number C, Odisha. Film and TV Institute of India is located at. Film and TV Institute of India is located at. The correct answer of this question will be Pune, option number B. Who made new record in 100 meter in Khelo India University Games? The correct answer of this question will be Duti Chand, option number C. Who was the first speaker of Lok Sabha? Who was the first speaker of Lok Sabha? Friends, the correct answer of this question will be option number A, G.V. Mogalankar. Name the cyclone which destroyed. Where is the question, friends? The correct answer of this question will be option number A, Amphan. When is World Hindi Diwas celebrated? When is World Hindi Diwas celebrated? The correct answer of this question will be. The correct answer of this question will be 10th of January, option number D. Which article of Indian Constitution
talks about abolition of untouchability. Which article of Indian Constitution talks about abolition of untouchability? The correct answer is Article 17 talks about abolition of untouchability. So the correct answer will be option number D. 49th parallel is the international boundary between. 49th parallel is the international boundary between which two countries? The correct answer of this question will be option number D, USA and Canada. Where is the headquarter of International Olympic Committee situated? The correct answer of this question will be option number D, Switzerland. Who is the chief of defense staff? The correct answer of this question will be option number C, General Bipin Rawat. Which river flows through Rift Valley? The correct answer of this question will be Narmada River flows through Rift Valley. When was Swaraj Party formed? Swaraj Party ka kab gathan kab hua tha? Kaun se san mein hua tha Swaraj Party ka gathan? The correct answer of this question will be friends of 1923, option number C. Swaraj Party was formed in the year 1923. So the correct answer will be option number C. Full form of CAD, Computer and Design. Who is the chairman of CBSE? I am remembering UPSC because last year in our paper one question was asked about who was the chairman of UPSC. The correct answer of that question was Arvind Saxena. Arvind Saxena is the chairman of UPSC. Who is the chairman of CBSE then? The correct answer of this question is Manoj Ahuja, option number C. Has been recently appointed as the chairman of Central Board of Secondary Education, CBSE. So the correct answer will be option number C. When Cycling Federation of India was established? The correct answer of this question will be 1946, option number C. FFC stands for. The correct answer will be option number D, Film Finance Corporation. Option number D is the correct answer. When was SARC formed? Friends, there is one error. SARRC will be SARC, spelling is wrong. South Asian Association for Regional Corporation is the full form of SARC. So spelling will be SARRC. Please correct it. SARRC, South Asian Association for Regional Corporation, was formed in the year 1985. So the correct answer will be option number B. After whom has the ISRO named its lightest satellite? Dr. APJ Abdul Kalam. Narendra Damodar Das Modi is which number Prime Minister of India? The correct answer of this question will be option number B. You can see it. World Red Cross and Ted Crescent Day are celebrated every year on. The correct answer of this question will be 8th of May. Option number D. Full form of SIM, S-I-M. Full form of S-I-M, SIM. The correct answer of this question will be Subscriber Information Module. So option number B will be the correct answer. The headquarter of Reserve Bank of India is in. Where is the headquarter of RBI located? Reserve Bank of India ka mukhyalay kahan hai? So friends, iska answer ho jayega aapka Mumbai, option number A. Which country was the host of Thomas Cup 2020? Friends, iska answer ho jayega aapka Denmark country was the host of Thomas Cup 2020, option number B.
who has won the 400 meter race men's in 2016 Olympics? Who has won the 400 meters race men's in 2016 Olympic with the record of 43.03 second? The correct answer of this question will be option number B. Option number B is the correct answer, friends. Who is the brand ambassador of Panasonic? The correct answer will be brand ambassador of Panasonic. The correct answer is Katrina Kaif, option number B. Nakki Lake is in which state? Nakki Lake is in Rajasthan. When was Taj Mahal given heritage site in India? Taj Mahal ko heritage site kab diya gaya tha? The correct answer of this question will be 1983, option number C. Who among the celebrities of India is the sole winner of special Oscar in the history of Indian cinema? Friends, the correct answer of this question will be option number C, Satyajit Ray. Option number C is the correct answer. For Olympic and World tournaments, the basketball court has dimension. The correct answer of this question will be 28 into 14 meter, option number D. When did World Trade Organization came into existence? WTO कब गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1995, ऑप्शन नंबर सी. Who is the brand ambassador of Micromax? Micromax का brand ambassador कौन है? फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर. तो मैं बता दूं आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Micromax. अगा खा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वेरी इजी, हॉकी. गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर विल बी फिजी. विच इंडियन अंपायर हैज बीन प्रमोटेड एज FIH अंपायर? FIH मीन्स इंडियन हॉकी फेडरेशन अंपायर. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा ठाकुर हैज बीन दुर्गा ठाकुर इज एन इंडियन अंपायर हु हैज बीन प्रमोटेड एज FIH अंपायर, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हुज FIH का हेड कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन? द करेक्ट आंसर विल बी पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन. BCCI वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1928, ऑप्शन नंबर डी. हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी संदीप प्रधान इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज हेड टू मेजर सॉयल वाटर टेंशन? विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हेड टू मेजर सॉयल वाटर टेंशन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टेंसियोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEL? बेल. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी. फ्रेंड्स नाउ मूव टुवर्ड्स द रीजनिंग एंड इंग्लिश क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस. आप पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चंस के. आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं जो मैं अभी आपको पैसेज और इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस दूंगा. उन 35 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में एक साथ दूंगा. तो फ्रेंड्स आप अपना टेस्ट ले लीजिए और इसी वीडियो में आपको आंसर भी दे दिया जाएगा.
फ्रेंड्स चलते हैं आप क्वेश्चंस पर। आप वीडियो को पॉज करके करते रहिएगा क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको आंसर्स लास्ट में बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका अब यहाँ से रीजनिंग भी चालू हो जाएगा। अगर आपको इसमें क्वालिटी कमी आएगी तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल टेक्स्ट सेंड यू द PDF ऑफ दिस इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज रीजनिंग एंड इंग्लिश क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स। फ्रेंड्स आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड द 35 क्वेश्चंस।
In first part, I have given you 65 questions of general knowledge. Now I have given you 35 questions. अब चलिए अब आपको मैं इन 35 क्वेश्चंस का आंसर्स बता देता हूँ. फ्रेंड्स, यू कैन चेक योर आंसर्स ऑफ द लास्ट 35 क्वेश्चंस. आई होप यू ऑल हैव चेक योर आंसर्स. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं और मॉक टेस्ट लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. थैंक यू.